बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ वाइट शार्क एकेडमी में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म के जहाँ पे आपको सिर्फ लेक्चर्स नहीं, प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगी कि किस तरह आप एनुअल पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। और उसी सिलसिले में आज हम ये जो टॉपिक कर रहे हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट एनुअल बोर्ड पेपर, तो इस पर हम बात कर रहे हैं। और इसको मैं ट्राई करूँगा कि टू पार्ट्स में सम अप कर लूँ और फिर प्रेजेंटेशन का एक लेक्चर आएगा। तो पार्ट वन में मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ, इंशाल्लाह पार्ट टू में भी कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा और फिर हम प्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे। तो प्रेजेंटेशन से पहले पेपर अटेम्प्ट की मेथडोलॉजी आपको पता होनी चाहिए कि पेपर को मैं जब बोर्ड का पेपर आ जाता है, मुश्किल होता है, आसान होता है, मतलब कुछ मुश्किल कुछ आसान, तो इन चीज़ों को प्रेशर को मैं कैसे कम कर सकता हूँ और उस पेपर को मैं अटेम्प्ट कैसे कर सकता हूँ। जिस तरह आपको पता है कि कोई भी प्लेयर होता है, जरूरी है कि सबसे पहले उसको पता हो अपनी पोजीशन का कि मैं अपनी पोजीशन पे कैसे जाना है, वहां पे मैंने सर्वाइवल कैसे करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब बैट्समैन है, अब उसके लिए जरूरी है कि उसको पता हो कि मेरा स्टांस क्या है, मेरे खड़े होने का तरीका क्या है, मेरे मूवमेंट क्या है, फिर उसके बाद जाके वो स्ट्रोक्स और ये और वो, मतलब वो नाम कमाएगा। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं कुछ पॉइंट से। स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर दीजिएगा। और ऑलरेडी मटेरियल जो रिक्वायर्ड होती है उस पर लेक्चर हो चुका है, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले जो ब्रॉड कैटेगरी है कि फर्स्ट रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली, द नंबर वन हमारे पास क्या है, तो द नंबर वन हमारे पास है कि फर्स्ट रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। मतलब सबसे पहले आपने क्वेश्चन पेपर को केयरफुली रीड आउट करना है। ठीक है, हर एक रिलीजन के हवाले से स्टार्टिंग के कुछ कलमात होते हैं। ठीक है, जिस तरह हम मुसलमान बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं, हर एक रिलीजन के मुताबिक जो भी जिस रिलीजन से भी है, ठीक है, चाहे वो इंडिया हो, मतलब कोई दूसरे हमारे ममालिक हो, तो वो अपने रिलीजन के हिसाब से जो भी वो स्टार्ट करते हैं उसके बाद वो प्रॉपरली अपने पेपर को रीड आउट कर ले। तो इसमें आपने क्या देखना होगा कि रीड आउट ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली और कामली, केयरफुली एंड कामली। आपने सारे क्वेश्चन केयरफुली रीड आउट करने हैं कि मेरे पास जो स्टेटमेंट है, जो मिस्टेक्स अगर कोई प्रिंटिंग वगैरह आई है, वो कोई स्टेटमेंट मेरे पास एम्बिग्वस तो नहीं है, कहीं पे कोई उसमें चेंजेस तो नहीं आए। कुछ मतलब ये है कि बाज़ों का जो रिक्वायर्ड होता है वो उससे हट के आपको कोई सेंटेंस उठा के दे देता है और आपको पता नहीं होता कि मतलब लेट सपोज जिस तरह हम केमिस्ट्री में कहते हैं कि हमारे पास अब आइडियल गैस इक्वेशन है। अब आइडियल गैस इक्वेशन सबको पता है, लेकिन अगर वो कहते हैं कि राइट डाउन द रियल गैस इक्वेशन, तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं, इनसे गलती हुई, ये आइडियल गैस इक्वेशन ही है। क्यों है कि रियल गैस इक्वेशन की हेडिंग बुक में नहीं है। अब जब रियल गैस इक्वेशन की मतलब क्वेश्चन आ जाता है तो दैट मीन के वंडरवाल इक्वेशन आपने लिखना है। तो ये अगर इस तरह की मतलब आ जाए तो आपको पता हो कि इसके पीछे इनका मकसद क्या है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ये उन्होंने स्टेटमेंट चेंज करके दी है। तो अगर आप टेक्स्ट बुक से हट के भी थोड़े से मतलब रेफरेंस बुक की तरफ जाएंगे तो फिर आपको इस तरह के स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी। सेकंड आपने इसमें क्या देखना है, चेक आउट द मार्किंग स्कीम, द मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम क्या मतलब है, तो आप देखेंगे हर एक क्वेश्चन के सामने इधर ब्रैकेट में 4 या ब्रैकेट में 5 या ब्रैकेट में 3 इस तरह के मार्क्स लिखे होते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन को उठाएंगे तो आप मार्क्स के हिसाब से उसको उठाएंगे। लेट सपोज अगर कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का है लेकिन जो डेटा रिक्वायर्ड है उनको वो ज्यादा है, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन कोई न्यूमेरिकल है और आपको आता है, तो डेफिनेटली आप 4 मार्क्स के क्वेश्चन पे जाएंगे, 3 मार्क्स पे आप नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मार्किंग स्कीम चेक करना लाजिमी है। अच्छा, इसके बाद फिर काउंट द नंबर ऑफ क्वेश्चन, काउंट द नंबर ऑफ क्वेश्चन के मतलब यह है कि आपके पेपर में क्वेश्चंस कितने आए हैं।
जिस तरह हम कहते हैं केमिस्ट्री में हमें 13 या 14 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं सेक्शन बी में और कहा जाता है कि इसमें से आप 10 सॉल्व करें। अब हो सकता है कि कहीं पे उन्होंने पैटर्न में चेंजेस की हो और हमें ना बताया हो, तो कितने क्वेश्चन दिए हैं और कितने सॉल्व करने हैं ये ज्यादा जरूरी है कि आप इसको भी रीड आउट कर ले। फिर चेक द सेंटेंस नोट, आपको अगर पता हो तो उन्होंने लिखा कि नोट, नोट का मतलब ये है कि इसमें से आपने इतना सॉल्व करना है और ये वाला लाजिमी है या नहीं है। लेट सपोज मैं मुझे कहा जा रहा है कि राइट डाउन द 10 शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग 13 और 14 शॉर्ट क्वेश्चन, बट द फर्स्ट वन इज कंपल्सरी। अब इसका मतलब ये है कि पहले वाला कंपल्सरी और वो आपने लाजिमी उठाना है। तो इसका फिर आपने इस हिसाब से देखना होगा कि फर्स्ट वन मेरे पास जो आया है वो मैंने लाजमी करने हैं और बाकी में से मैंने कितने सॉल्व करने हैं। या अगर आपसे कहा जाए कि टिक मार्क द करेक्ट ऑप्शन, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज में आ सकता है, राइट डाउन इन द बॉक्स द करेक्ट ऑप्शन, राइट डाउन ए बी सी जो लेटर्स होते हैं उसमें से मतलब किसी एक को लिख के, तो ये नोट वाला वर्ड आपने लाजमी चेक करने के इसमें वो क्या कह रहे हैं। एंड फाइनली द फिफ्थ वन इज अ पेपर पैटर्न, के जो पेपर का पैटर्न है सेम है जो पहले आता था या अभी ये चेंज हुआ है, तो उस हिसाब से फिर आप अपने टाइमिंग की मैनेजमेंट करते हैं। ये तो पहली कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी हमारे पास क्या थी, सेकंड कैटेगरी में हम कहते हैं कि यूज फर्स्ट 15 मिनट्स इफेक्टिवली, यूज फर्स्ट 15 मिनट इफेक्टिवली, जो पहले 15 मिनट है वो आपने बहुत ज्यादा इफेक्टिव मतलब रखने हैं। क्यों? ये इसलिए कि जो पहली चीज होगी वो आपका जो स्टार्ट होता है अगर वो अच्छा गया तो रेस्ट ऑन द पेपर आपका इजी जाएगा, अगर आपका स्टार्ट ही गलत गया है तो रेस्ट ऑन द पेपर आपका इजी नहीं जाएगा। बिल्कुल इस तरह के टेस्ट में से 2 इनिंग्स, अब किसी बैट्समैन ने पहले इनिंग्स में सेंचुरी मारी है तो आप समझ सकते हैं कि सेकंड इनिंग्स में उसका कॉन्फिडेंस स्काई को टच करेगा। अब अगर पहले में वो 0 पे आउट हुए तो सेकंड में भी वो कंफ्यूजन होगी उसके पेयर ना बने, मतलब 2-0 ना बने, तो एक कंफ्यूजन जहन में आ जाता है। जब कंफ्यूजन आती है तो ये आपकी परफॉर्मेंस को बैडली इफेक्ट करता है, तो इसलिए स्टार्ट आपको बहुत जबरदस्त होना चाहिए। तो आपने क्या करना है कि जो पहले 15 मिनट से रीड All questions, क्या concept आपने इसमें देखना है कि concept कहाँ पे है, theme क्या है मतलब required क्या है आपका, ठीक है, numerical इसमें कितने हैं और solid marks वाले questions इसमें कितने हैं, ये आप पहले सारे questions में चीजों को final करें कि आपने किस किस चीज को अब उठाना है, ठीक है। अब इसमें आपके पास आ सकता है कि इजी कितने हैं और टफ क्वेश्चंस कितने हैं, तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर ले, इसलिए पहले 15 मिनट बहुत ज्यादा अहम है। इन केस आप मिस अंडरस्टूड वेल हार्म योर पेपर, अगर आप मिसअंडरस्टूड कर गए पेपर को तो ये आपके पेपर को खराब कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड इसमें क्या है कि डोंट वरी अबाउट द टफ वंस, डोंट वरी अबाउट द टफ वंस, तो थर्ड सॉरी ये हमारा आ जाता है कि डू नॉट वरी अबाउट द क्वेश्चन, आपने टफ क्वेश्चन के हवाले से बिल्कुल भी नहीं डरना, बिल्कुल रिलैक्स करें। क्यों? क्योंकि अगर आप टफ वन के हवाले से मतलब कंफ्यूज हो गए, आपको डर लग गया जब आपने पेपर को रीड आउट किया, कुछ लोग कहते हैं कि पेपर को रीड आउट ना करें क्योंकि इसमें से मतलब अगर आपको कोई मुश्किल क्वेश्चन नजर आते हैं तो फिर आप कंफ्यूज जाते हो, आप टेंशन में जाते हो, नहीं, जब आप पेपर को रीड आउट करोगे तो आपको पता होगा कि मैंने पेपर को किस तरह सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। अब जो टफ वन आते हैं आपने उसके हवाले से बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर टफ वन है तो इजी वन भी होंगे और ये टफ वन इजी बन जाते हैं बाद में किस तरह, तो देखें
the moment you start thinking about tapping it affect your performance. ये आपके परफॉर्मेंस को बैडली इफेक्ट कर सकता है क्योंकि आपके जहन में अब एक कंफ्यूजन आ गया है. तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि इन द स्टार्ट आप जो भी आपका मतलब मुश्किल क्वेश्चन होगा उसको आप अवॉइड करें. क्यों अवॉइड करें, इन स्टार्ट द टफ वन विल बी अ बिट easy one in the end. ये जो start में tough one होता है ना, ये end में थोड़ा सा easy बन जाता है. क्यों, क्योंकि जब आपका paper अच्छा शुरू हो जाता है, तो आपका confidence level ऊपर जाता है. Confidence level किस तरह ऊपर जाता है कि pick the most easy question is फर्स्ट क्वेश्चन जब आप सबसे आसान क्वेश्चन को एज अ फर्स्ट क्वेश्चन उठाएंगे तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाएगा. और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाएगा तो इसके साथ जो मुश्किल भी होंगे ना वो भी फिर आप कर सकते हो. और अगर आपने स्टार्ट में मुश्किल क्वेश्चन लिया और उसमें आप एक दफा फंस गए हैं तो एक तो आपका टाइम चला गया, दूसरी बात यह है कि आपका पूरा का पूरा टेंशन आपके ऊपर आ गया कि ओहो ये तो बड़ा मसला बन गया है. लेकिन जिस तरह वही बात है कि मैंने कि पहले इनिंग्स में आपने सेंचुरी मारी है, सेकंड में आप बहुत ज्यादा मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस, तो अगर पिच मुश्किल भी है तो आपको पता होता है कि नहीं मैं मतलब पीछे कुछ है, ठीक है मैं अपने बैग में कुछ लेके आया हूं, बैग में क्या है एक सेंचुरी पड़ी हुई है, तो वो सेंचुरी आपको एक कॉन्फिडेंस देती है. इसी तरह पहले इनिंग्स में मैंने 3-4 आउट किए थे, दूसरे इनिंग्स में आप बहुत ज्यादा जान मारते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि मैं कर सकता हूं. ये जो कहते हैं ना कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू, दैट इज द बेस्ट थिंग. और ये आपको यूं आपकी उड़ान को ऊपर की तरफ लेके जाता है. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं. अच्छा गाइस, अब हम मूव करते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ और दैट इज प्रायोरिटाइज योर अटेम्प्ट. क्या है वो हमारे पास, प्रायोरिटाइज यूर अटेम्प्ट. जो पेपर आप अटेम्प्ट करते हैं अब आप प्रायोरिटीज को देखें. तो पेपर में आपने क्या अटेम्प्ट करना होता है, पेपर में आपने अटेम्प्ट करने होते हैं क्वेश्चंस. तो जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं उसको आप कैटेगराइज कर ले कि आपने स्टार्ट किससे लेना है, उसके बाद सेकंड फेज में कौन से करने हैं और थर्ड फेज में कौन से करने हैं, आउट ऑफ द 10 क्वेश्चन आपने कौन से सॉल्व करने हैं. तो ऑलवेज अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट, द नंबर वन के ऑलवेज अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट. ये तो एक बात आ गई कि आप हमेशा जो मुश्किल इजी क्वेश्चन होगा उसको आप पहले उठाएं, क्योंकि आपकी जो राइटिंग होती है ना स्टार्ट में ये थोड़ी सी मुश्किल से शुरू होती है. तो जब आप इजी क्वेश्चन को उठाते हैं तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, जो चीजें आप भूल गए हो वो आपको मेमोराइज रिकॉलिंग शुरू हो जाती है. ठीक है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में लॉन्ग टर्म मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीजें जाती है और वहां से फिर आप पेपर पे इसको उतारते हो. इसके साथ साथ जब आपका मतलब यह है कि जैसे ही आपका स्टार्ट होता है आपके मसल सारे काम शुरू कर जाते हैं, आपका कॉन्सेंट्रेशन पेपर की तरफ जाता है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा इजी बन जाती है. सेकंड आपने क्या करना है कि पिक द सॉलिड मार्क्स, पिक द सॉलिड मार्क्स क्वेश्चन. अब जो सॉलिड मार्क्स क्वेश्चन होता है वो या जिसका गुड इंप्रेशन हो या जिसका गुड इंप्रेशन हो. गुड इंप्रेशन की बात मैं क्यों करता हूं बताता हूं आपको. गुड इंप्रेशन आर वी कैन से कि न्यूमेरिकल हो,
गुड इंप्रेशन के लिए है कि आपको पता है कि जब चेकर होता है, जो पेपर आपका चेक करता है, तो उस वक्त आप उसके साथ नहीं बैठ होते कि आप उसको बताओ कि ये सही हुआ है, ये गलत हुआ है, यहाँ पे थोड़ी सी रियायत दे दे, नहीं, इस तरह कुछ भी नहीं होता। आपका पेपर बोल रहा होता है आपकी जगह। अब अगर आपका पेपर आपने बेहतरीन किया हुआ है, स्टार्ट आपने बेहतरीन लिया है, पहला क्वेश्चन आपने मतलब 4 out of 4 में डाला है, ठीक है, 5 out of 5, 3 out of 3, तो जो आपका जो चेकर होता है, तो द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में अगर आपसे थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, तो उसके जहन में आपके लिए एक इंप्रेशन बन चुकी होती है कि ये बंदा तगड़ा है, ये काम करने वाला है, ये काबिल है। इसी तरह अगर मैनेजमेंट में आपके पास मतलब, या इसको छोड़े, हम क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अगर 5 matches होते हैं, या मैसी, क्योंकि दोनों के फैंस है तो माइंड ना करते, अगर 5 matches में 3 matches में उन्होंने गोल नहीं किया, तो आप उसको ड्रॉप नहीं कर सकते। आपको पता होता है कि ये बंदा काबिल है, इस बंदे में टैलेंट है, बस इसका वो दिन की बात है कि जिस दिन इसका वो क्लिक कर जाता है। इसी तरह जो आपका पहला क्वेश्चन है, वो उसके जहन में एक इंप्रेशन डेवलप कर देता है कि बंदा तगड़ा है, इसने जबरदस्त क्वेश्चन किए, यहाँ पे थोड़ी बहुत मतलब गलती हुई, इट्स ओके, अवॉइडेबल है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो ये आपके मतलब एक इंप्रेशन डेवलप हो जाता है। मूव ऑन टू मैनेजेबल क्वेश्चन, मूव ऑन टू मैनेजेबल क्वेश्चन, वो क्वेश्चन के जो आपके मतलब ये है कि आप जिसको सॉर्ट आउट कर सके, जिसको आप सॉर्ट आउट कर सके, उस क्वेश्चन की तरफ अब आप जाएं और कंप्लीट बिफोर द टाइम टू टेक ऑन द टफ वन, कंप्लीट बिफोर टेक ऑन टफ वन। इसका मतलब यह है कि जब आप इजी क्वेश्चंस को पहले उठाएंगे, तो उसको विद इन द टाइम आप कंप्लीट करें, उस पर एक्स्ट्रा टाइम आपने नहीं डालना। 4 marks का क्वेश्चन आता है, इजी है, मेरे पास मतलब यह है कि मुझे इस क्वेश्चन को 10 points में सॉल्व करना है, लेकिन मेरे जहन में 15 points आ रहे हैं। अब अगर मैं 10 की जगह 15 points पे जाऊंगा, तो ये 5 जो पॉइंट्स होंगे, ये मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, इस 5 points के मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन ये मेरे जो है ना मतलब 2-3 minutes एक्स्ट्रा जाया कर सकते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा मिनट्स मैंने जाया किए बगैर किसी रिवार्ड के, ये मैंने नुकसान किया, क्योंकि ये टाइम खा गए हैं अब बाकी क्वेश्चंस का, जहां पे मुझसे इसकी वजह से मार्क्स भी काटे जा सकते हैं अगर मैं उसको पूरी तरह कंप्लीट नहीं करता। और इसी क्वेश्चन को आपने इसे जल्दी कंप्लीट कर लें, ताकि जो मुश्किल क्वेश्चन है, तो वहां पर फिर आप थिंकिंग भी कर सके, ठीक है। वन यू कंप्लीट ऑल इजी क्वेश्चन, योर कॉन्फिडेंस विल बी स्काई हाई। वंस यू कंप्लीट ऑल इजी क्वेश्चन, योर कॉन्फिडेंस विल बी स्काई हाई, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस स्काई हाई होगा। डेफिनेटली जब मेरा पेपर सॉल्व हो जाता है, तो मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या होगा, अब आते हैं हमारी स्पीड और एक्यूरेसी की तरफ। इंश्योर योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, अब आपकी स्पीड कितनी है और स्पीड के साथ आपकी एक्यूरेसी कितनी है। अब आपको मैं पहली चीज बताऊं, जब भी हम पेपर स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट में मैंने जैसा कहते फिंगर काम नहीं कर रहे होते हैं, मुश्किल होती है राइटिंग में। अब अगर आपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने में 15 minutes लगाए, तो आप मेक श्योर करें कि आखिरी क्वेश्चन अगर 10 minutes का है, तो उसको आप 3-4 minutes में सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि जब आपके फिंगर गर्म हो जाते हैं, आपके मसल की मूवमेंट टिक टाक हो जाती है, तो आपकी स्पीड बहुत ऊपर जानी चाहिए, बहुत तेज जानी चाहिए। और ये चीजें तब होती है कि आप प्रैक्टिस परफेक्टली करें, जो आप ग्रेट, जो गोट जिसको हम कहते हैं ना, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, जब आप उसको देखते हैं, तो उनके जो शॉट्स होते हैं वो बिल्कुल बुक की तरह होते हैं, ठीक है, आपको बुक में वो मिल जाएंगे इतनी परफेक्शन। तो वो क्यों? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हुई होती है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमेन बोथ परफेक्ट। So in short method of time saving, the number one thing, okay, in short method of time saving, आप वो वाले method अपनाएं जिससे time आप बचा सके अपने questions में, आप वो वाले method अपनाएं, time saving techniques आप अपनाएं। इसके साथ आप use करें good bullet points, वो वाले bullet points
कि जिस पे आपकी प्रैक्टिस हुई हुई हो, ठीक है, और वो मतलब ये कि राइटिंग में आपको इश्यूज ना आए, वो बहुत स्मूथली राइटिंग करे, नॉट ओवर प्रेजेंटेशन, डोंट गो फॉर ओवर प्रेजेंटेशन। ओवर प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? ओवर प्रेजेंटेशन का मतलब है कि अब मैंने ये सेंटेंस लिखा, मैं नीचे भी लाइन खींचता हूँ, मैं इधर भी लाइन खींचता हूँ, मैं इसमें वो इतने ज्यादा जो है ना वो मतलब टेलीग्राफी तरह से मैं चीजों को बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा करके और इतने लाइन उतने लाइन डॉट्स लगा के ऊपर नीचे इसकी तरफ ना जाए, क्योंकि इस पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अलबत्ता अगर ये आपने टाइम वेस्ट किया है और कोई और क्वेश्चन आपसे इनकम्प्लीट रह गया तो कटिंग के ज्यादा चांसेस। अवॉइड एक्स्ट्रा लाइंस, मतलब ये कि जो एक्स्ट्रा लाइंस होते हैं ना ये बहुत ज्यादा टाइम लेती है। आप क्या करें, आपने साइड पे लाइन खींची, पेपर को हल करें, एंड में जब भी पेपर कलेक्शन की टाइम आ जाए आप लाइंस वगैरह को ड्रॉ करें। अगर आपके एक दो लाइंस रह जाते हैं तो दैट्स इज ओके, लेकिन लाइंस की वजह से अगर आपका क्वेश्चन रह जाता है तो उस पर आपको मार्क्स काटेंगे। लाइंस की वजह से आपसे मार्क्स नहीं काट सकते हैं, लेकिन इनकम्प्लीट क्वेश्चन की वजह से आपसे मार्क्स डेफिनेटली काट सकते हैं। और इसके साथ साथ अवॉइड सिली मिस्टेक्स ये है कि मैं मतलब हरी में कोई चीज इस तरह कर लूं, बाद अगर पेपर को फोल्ड के उस स्वेटिंग की वजह से मेरा पेपर खराब हो जाता है, मैं बल पॉइंट इंटेंशनली मिस्टेक, मतलब ये कि वो लेजीनेस की वजह से मैं गलत यूज कर देता हूं, ठीक है, तो इस वजह से, क्योंकि लेजीनेस आपके लिए बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट करेगी, तो आप ये जो सिली मिस्टेक्स है कि जो कि नहीं होनी चाहिए, उसकी वजह से अगर हम गलती कर जाते हैं तो क्या होगा, ये हमारा बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद करेगा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका स्पीड बहुत ऊपर जाना चाहिए अलॉन्ग विद द एक्यूरेसी। अगर आपकी स्पीड हाई है, एक्यूरेसी नहीं है तो भी काम नहीं करेगा, ये दोनों के कॉम्बो है। अगर आपकी एक्यूरेसी है लेकिन स्पीड आपकी नहीं है फिर भी काम नहीं करेगा। मैं आपको बॉटम लाइन में बताता हूं, जब आप एग्जामिनेशन हॉल से निकले, 100 मार्क्स का पेपर है, आप मेक श्योर करें कि आपने 100 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट किया हुआ है, आपसे कुछ इनकम्प्लीट नहीं है। लेट देम डिसाइड कि वो 100 में से आपको कितने मार्क्स देते हैं। तो पार्ट वन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पार्ट बी में बाकी जो 5-6 पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।